ओम माँ क्रीम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र की तुला राशि में प्रभाव को। यदि आप देख पाते हैं कि शुक्र जाके आपकी जन्म पति का जन्म कुंडली में तुला राशि में जाकर विराजमान हो गए हैं तो क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव देंगे, आज इसको हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। मित्रों, इससे पहले हमेशा की तो एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूअस में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। अब आगे बढ़ते मित्रों और समझते हैं शुक्र के तुला राशि के प्रभाव को। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, तुला राशि का स्वामी ग्रह स्वयं शुक्र है, अर्थात ये इनकी स्वराशि है। जब भी शुक्र तुला राशि में पांच अंश तक के होकर बैठेंगे, ये मूल त्रिकोण के होते हैं और 5 अंश से 30 अंश तक के होकर बैठते हैं तो इनकी स्वराशि की होती है। और स्वराशि में स्थित शुक्र हमेशा शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं जातक को। जब भी तुला राशि में आप शुक्र को देख लेंगे, ये मान लीजिए कि जातक को जीवन काल में शुभ प्रभाव मिलने वाला है शुक्र का। तुला राशि में स्थित होकर जातक को काफी सुंदर बना देते हैं, काफी रूपमान बना देते हैं, तीखे नयन नक्श का बना देते हैं। यदि स्त्री जातक है तो काफी सुंदर होगी, तीखे नयन नक्श की होगी, जातक के कद लंबा कर देते हैं, अच्छी लंबे कटकाठी के होते हैं। जब भी शुक्र तुला राशि में जाके बैठते हैं जातक जो भी कार्य करते हैं उसमें काफी दक्ष होते हैं, महारत हासिल होती है और काफी सफलताओं को अर्जित करते हैं अपने कार्यों में, भोग विलासी होते हैं। ऐसे जातक हमने देखा है परदेश में काफी सुखों को प्राप्त करते हैं, यदि ऐसे जातक विदेश जाते हैं तो वहां पर काफी सुखों को अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। कला में विशेष रुचि होती है, नृत्य संगीत का बहुत शौक होता है ऐसे जातकों को और विभिन्न कलाओं में ऐसे जातक परंगत होते हैं। जब भी शुक्र जाकर तुला राशि में बैठ जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे जातक काफी बुद्धिमान होते हैं और जीवन काल में काफी सुखी होते हैं, इनके पास पर्याप्त रूप से सभी सुख रहते हैं, जीवन काल में काफी यश अर्जित करते हैं, काफी मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बहुत मिलनसार, उदार और प्रेमी स्वभाव के होते हैं, जिससे भी मिलते हैं उसे बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं। तो आज हमने काफी कुछ चर्चा कर ली तुला राशि के बारे में, कल हम बात करेंगे शुक्र जब वृश्चिक राशि में जाकर बैठेंगे तो क्या प्रभाव प्रदान करेंगे। तो इसके साथ मैं यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।